भगवती द्रावे द्रावेण मूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेना विसिंचयामीति स्वाहा पवित्र जलेना विसिंचयामीति स्वाहा पवित्र जलेना विसिंचयामीति स्वाहा पवित्र जलेना विसिंचयामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै श्रीवारि रूप कृष्ण पयामी सुजनमाप्तांजनान सर्वार्थ सिद्धिदान निजे कृष्ण पयामीति स्वाहा ओम रीम त्री बृहस्पति वीरांतांजलि कृष्ण पयामीति स्वाहा इति स्वाहा। चलिए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंचेंगे, श्रीफल लेकर के समस्त हमारे पात्रगण जितने भी विधान के अनुष्ठान के इस पात्रगण है सभी पात्रगणों में से एक एक इंद्राणी को लेकर के तम शम तम तम पम पम यम यम युम युम छुम छुम राम राम रीम रीम हम जम छुम हम से जम बम राय सह छाम छीम छूम छेम छेम छोम छोम छम च छुम रहम रीम रूम रे रैम रूम रौम रम रह द्राम रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठाठाति प्रक्षान्त्रि मंत्रिणे अभिषेकम करोमि स्वाहा। यंत्र के ऊपर धारा छोड़े, यंत्र जी के ऊपर ओम भूर्भुवः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम रीम श्रीं क्लीं मे मरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावदेव नवरेते भगवते श्रीमते ओम रीम क्रौं बम पापम खंड खंड दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हन झम झीम सीम हम सम झम बम बम रवा पाहा हाहा छाम छीम छुम छई छई छौ छौ छम छहा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों रं राहा द्रां दीं द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विध संगत श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनि सहज सागर जी महाराज परम क्षेत्र लदया सागर जी महाराज वंदनीय आर्य कानूनवती माता जी श्वास लाभार्थम समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारी गण श्राव श्री श्री सुनील कुमार जी शीला पांडे परिवार ज्योति ट्रांसपोर्ट भोपाल सपरिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री कोटा सपरिवार से श्री अमरेश संगीता हर्ष अनुपम परिवार श्री विनोद कुमार अंकित कुमार श्रीमती रेखा खाते गांव सपरिवार श्री महावीर प्रसाद दिलीप कुमार शिवपुरी सपरिवार श्री महेंद्र अजमेरा कल्पना रितेश अर्थेश अक्षय अजमेरा सपरिवार से श्री वीरती चंजी शैलेंद्र कुमार जी बैरागढ़ सपरिवार सोपस्थ सर्वभजन नाम सकल दिगंबर जैन समाज से समय सुपस्थित भपिजना सकल दिगंबर जैन समाज श्री रसु वृद्ध रसु तुष्य रसु पुष्य रसु शांति रसु कांति रसु कल्याण रसु स्वाहा अस्माकं श्री शांति महामंडल विधान कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमदारद्ध सर्पक्य प्रवेशि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य श्री वृद्धरस्व सद्धर्म स्वास्थ्य स्पर्श स्वर्ग प्रसिद्धंतु न ओम रीम श्री विश्वाद श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्मी संतो रहतु भगवता सर्वज्ञ परमंगलाम धिया अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भक्तजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त यमुत्रम च सिद्धम तर्मंत सद्धर्म कर्म से मुत्तम च सिद्धम पिछंतु न ओम नमो रेते भक्ते श्रीमते श्रीमत् पाशी संग्रह श्री वर्तन तरूपा द्रुपित मूर्ते प्रभा मंडल मनिता द्वादश गण सहितान चतुष्ट सहित समस्त केलो ज्ञान लक्ष्मी सवता सदस्य सत्चत्वार संयुताय प्रवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान से अम्बुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुगाते लोक महितानंद संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास पदा तिलोक वसंगन सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म ने सर्वनाश घाति कर्म शंकर राय भय स्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विसंग से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मनी सहज सागर जी महाराज वंदनीय आर्य कानूनवती माता जी श्वास लाभार्थम परम श्रद्धेय दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठ श्री सुनील कुमार जी शीला पांडे परिवार ज्योति ट्रांसपोर्ट भोपाल सपरिवार से स्वास्थ्य लाभार्थम श्री वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री कोटा सपरिवार से श्री अमरीश संगीता हर्ष वर्षन उपम सपरिवार से विनोद कुमार अंकित कुमार श्रीमती रेखा खातेगांव सपरिवार से श्री महावीर प्रसाद दिलीप कुमार शिवपुरी सपरिवार
परिवार शिष्य महेंद्र कुमार अजमेरा सपरिवार से श्री वृद्धि चंद जी शैलेन्द्र कुमार जी बैरागढ़ सपरिवार से उपस्थित सर्व भवजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से व्याधिं दिनंतो जनाब श्री का पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो रते भक्ते प्रक्षिण शेष दोष कलम सार देवी तोजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांति करा सर्विघ्न अपना सर्वगप में तुम नाश सर्व क्षेत्र पुत्र विनाश सर्वारिष्ट शांति कराए ओम राम रीम रूम रवरासाय नमः मम सर्विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टम पुष्टम चे कुरु कुरु स्वाहा मम कामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी रति कामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बलि कामम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्रोधम पापम वेरम चे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व अग्नि वायु भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंदी छिंदी सर्वोत्सर्गम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व विघ्नम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व राज भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व चोर दुष्ट भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सर्प विक्ष हादि भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व ग्रह भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व दोष व्याधिम डामरम चे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व परमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व आत्मघातम परघातम चे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व स्थूल लोकम कुछ रोगम अक्ष रोगम सर्व रोगम जरूर रोगम चे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व नरमारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व गजस गोमय सी अजवारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सप्त धान वृक्षलता कुल पत्रों पुष्प फल मारेम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व राष्ट्र मारेम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुल वेताल साक्नी डाकनी भयानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेदनीयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व मोहिनीयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व बस मारेम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर विसंग से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनि सहजी सागर जी महाराज वंदनीय हरि कनो निमति माता जी परम शीतल दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्री सुनील कुमार जी शीला पांड्या ज्योति ट्रांसपोर्ट भोपाल स्वास्थ्य लाभार्थम सपरिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री कोटा सपरिवार से श्री अमरीश संगीता हर्षवर्ष अनुपम सपरिवार से विनोद कुमार अंकित कुमार श्रीमति रेखा खातेगा सपरिवार से श्री महावीर प्रसाद दिलीप कुमार जी शिवपुरी सपरिवार से श्री महेंद्र कुमार अजमेरा कल्पना रीति सरती सपरिवार से श्री वीरती चंद जी शैलेन्द्र कुमार जी बैरागढ़ सपरिवार से उपस्थित सर्व भवजनानां शकल दिगंबर जैन समाज से अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्ट जन के तान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चल छिद्र दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्ट देवदान अरविंद नन्नार सुयोग निकृत दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सुकुल नाग जनित विस्मयानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सावर जंगम विशेष सर्पादि के दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सिंहाष्टापदा निकृत दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु के तुम्हारा अनुचार दुष्यंत मोहन वशीकरण आदि दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम रीम अस्माभ्याम समस्त शांति धारक कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्री शांत चक्रम विक्रम सत्येज बल स्वरे शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम चे कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नवट खीर गटवट मंडम डोल मोक संभाय नंदनम कुरु कुरु संभाय नंदनम कुरु कुरु यशकम ते लोकेशु व्याधि वैष्णव परिस्तम अभियम छे मारोग्य सस्ति रस्तु विदीते श्री शांति रस्तो शदास्तो शिवमस्तो शदास्तो जयस्तो शदास्तो नित्यम आरोग्यमस्तो शदास्तो अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज श्वास लाभ ज्योति ट्रांसपोर्ट भोपाल स्वास्थ्य लाभार्थम सपरिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री कोटा सपरिवार से श्री अमरेश जी संगे जी हर्षवर्ष अनुपम सपरिवार से विनोद कुमार अंकित कुमार श्रीमती रेखा खातेगांव सपरिवार से श्री महावीर प्रसाद दिलीप कुमार जी शिवपुरी सपरिवार से श्री महेंद्र अजमेरा कल्पना रीते शर्थे सर्थ सपरिवार से श्री वृत्ति चंद जी शैलेन्द्र कुमार जी बैरागढ़ सपरिवार से उपस्थित सर्व भव जनानां शकल दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तो सदास्तो पुष्टिरस्तो सदास्तो सद्बुद्धिरस्तो सदास्तो सद्गतिरस्तो सदास्तो कल्याणमस्तो सदास्तो सुखमस्तो सदास्तो अभिवृद्धिरस्तो सदास्तो दीर्घायुरस्तो सदास्तो गोत्रम दंदानिं सदा संतो सदास्तो श्री सद्धर्म बल श्री बल आयु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सदास्तो ओम भीम श्रीं क्लीं मे अमरमस्याहुसाय अनाद्विदे नमृतो रोम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम भीम श्रीं क्लीं मे अमरमस्याहुसाय अनाद्विदे नमृतो रोम सर्वे शांतिं कुरु कुरु Sure.
स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सनात विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सायनाद विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सनात विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सनात विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सनात विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सनात विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ध्रीम श्रीम क्लीम यामरमस्याहु सनात विद्यान मित्रों रोम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुवल्यं विलासं सकल सकल बलैः धृतं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं गर्वीरं नृपमुपनत चित्तकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रतितरणे स्फुरदुच्चैः प्रतापम् कांतिम शांतिम समाधम वितरजतता उत्तमां शांति धारा संपोदिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राजा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रा। छत्रत्रयं तवे विभक्ते मुच्चैस्तं स्थगिते भानुकरा प्रतापम् मुक्ताफला प्रकर जाल विवृत्सोम प्रख्यापय त्रिजगतापयमेश्वर। ओम भीमस्त प्रातिहार मद्रे छत्रत्रय स्थापयामि कुंदावदाते चले चावर चारु शोभम विराजते तवे वपु कले धोति कांतम उद्यक्ष शांक सुचि निर्जर वारी धारे मुचे तटा विष्णु मार्जनम करोमियम। चलिए हो अब तो पारी लगा दो भगवान भक्त चरण सिरनाया जी बनी पड़े तो ओम मंगल तरी दो गोतम रहत दो गोतम पिता दो गोतम बहु दो गोतम बनी पड़े तो अमरो गोतम तरी सर्ण पब जामी अरत सर्ण पब जामी सित सर्ण पब जामी काहु सर्ण पब जामी बेबनी पड़े तो अमम सर्ण पब जामी। ओम नवरते परिश्वांजलिं क्षेपे अपवित्रः पवित्रो वा दुष्टो दुष्टेऽपि वा आयेत् पञ्च नमस्कारं सर्वैः पापेभ्यो मोच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वा सङ्गतोऽपि वा नैस्मरेत् पर्वात्मानं स ब्रह्मवत्तरे स्तुते। अपराजिते मन्त्रयं सर्वे विघ्नविनाशिनः मङ्गलेषु च सर्वेषु उत्तमं मङ्गलमता विश्वो पञ्च नमो यारो सर्वे पावेपणासनौ मोक्ष लक्ष्मी निकेतनौ सम्यक्वाद कल्याण के प्यार घम निर्वामी चंदन तंतुनाथ महमी जिन ग्रहे सूत्र मघमी अजय।
श्री सम्य दर्शन ज्ञान चरतनी तत्वा शुद्ध साध्य बेन मार्गम निर्वामी श्री वज्जिनेत्र विभद्य जगत्री गेशम शतपति नायक अनंत चतुष्टय हरम श्री भूरि संत सुख शाम कई के हेतु हे नेत्रिय के बिदिरे से माया विदाई स्वस्ति त्रिलोक गुरु में निधि पुम सुभाए स्वस्ति सुभा भी मग बोधय सत्य ताए स्वस्ति प्रकाश कई भोग बजाए स्वस्ति प्रसन्न ललिता दि भक्त भगवाए स्वस्ति छला दिवनि बहुत सुता सुनवाए स्वस्ति सुभा भी परिभावि विभा सिखाए स्वस्ति त्रिलोक मुख कई पुराण पुरुषोत्तम भावानी वस्तु नयोन मतिरानी हमें केवल अश्विन जलति मन केवल बोति मंडम श्रोता तेरी नमी सास में सस्ते तेरी नमी ना था तेरी पास पास में सस्ते तेरी वर्ण वाला चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलि क्षेपे विद्याप्रेकं पादे भुक्के विदोगा विस्फुरमना परियशोति बोधा दिव्यापति ज्ञाने फले प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सुह परमसयोगा स्वस्ति ज्ञाने फला देहंता स्वस्ति क्रिया सुह परमसयोगा अप्रज्ञा प्रधाना रमणा समेता नित्य की बुदा अशर भी फोरवाई ओ जंगा नलस्थनी फनवी तली तो विसोनी बीजा कुरुचारी उड़ावा नमोंगल से बिहार विषा विषा दिखे विषा विषाचे अखिल विद्दल मनोज दिशा स्वस्ति क्रिया सो अमर्षि सर्वोस्ते भय तथा से विषा विषा दिष्टि विषा विषाचे अखिल विद्दल मनोज दिशा स्वस्ति क्रिया सो अशीरम स्रवंतो तगतम स्रवंतो हतो स्रवंतो प्रवृतम स्रवंता अक्षेण संपास महान सास्त्र स्वस्ति क्रियासु श्री परमश्री स्वस्ति मंगल विधानं परि विश्वांजलिं क्षेपे ओ सदा नमो चित्ते गुलिकाय ओ ऋषि देश आदुर संविद्वान विचितंकर समय अनंतान जसत सिद्ध परमेष्टि शमः अत्रयो तरवतर समष्टि आवाहनम अत्र तिष्ठि ठाठाय स्थाविनम अत्रे मम सन्निहितो भव सत्सन्निधि करण पर जीवन है पानी की बूंद के मान सिंधी से संघर्षित प्रभु शक्ति तो फेरी सावन बन जाए रे जीवन है पानी की बूंद समझ जाए रे देवो झूठी ममता जल जल सब शीतल तापाने आज लगाए रे ओम ऋ
देश देश त्रिभुवन संग्रह नंदन सत परमेष्टि भय काम वाण विनाश नय पुष्पम निर्वाभामि सठी रथ में श्री ति भोजन से भूख न मेरी शांति हुई हाथ में रस अनुपम जग दे से बिंदिया इच्छा समन हुई सर्व था भूख ते मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु बोध्या जाने कब तल से कहा जाने कब तल से पंछी उड़ जाए रे जीवन है पानी की उड़ती जाए रे पर घटी तक कोई हर मर घटी के आगे कोई साथी न जाए रे जीवन है पानी की वो हमती जाए रे महाकार विनाश ने दीपम निर्वामी ये धूपियन में खेने से कर्मों को नहीं जलाएंगे निज में निज की शक्ति जलाएंगे पिस्ता बदाम सिर्फ लवंग तू चरण दिन में ले आया आत्म रस मीने निज गुण बल मन मन गगन में लल जाया मुख महाफल खाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री वेशत शंकर चेत प्रभु जी के गुरु अरे तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए जीवन उड़ती हुई पतंग अब कट जाए रे ओम रीम से देशा दुर्वद विशंकरे भ अनंता निस्ल परमेश्वर भ्या मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वापामि उजुकी जाए चलते चलते उजुकी जाए चलते चलते तेरी जीवन की ये ज्योति तेरे जीवन की ये ज्योति बुझ जाए चलते चलते बुझ जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा सांसों का अरे अष्टम वसुधा पाने को कल ये आंखों तक पिनिए सहज सूत स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए ए अर्घ समर्पण करके श्री देवी सास गुण को जाओ विद्यमान श्री भी सिद्धि कहकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ सासों का क्या भरोसा सासों का क्या भरोसा मुझ जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते ओम ऋष देशा द्रोभ्य विद्यान विशतंकरे पनंदन सद प्रेमेष्टिभ्य अनर्पत प्राप्ति अरिघ्यम निर्वापामि सबे के घड़े अरे भाभी ना पीछो डर भोड़ के जिनी तेरे को जो आप जो रे अरे आप जो आप जो आप जो रे सभी समझ गढ़ को रे श्री शांति नाथ चरणो अरे भाभी ना पीछो डर भोड़ के मंदिर को आग जोड़े जिनी मंदिर को आग जोड़े दसे भातिया करवे हरि भल्टी दे करे सुर्ग सुर्गर मुनी को पतिपत प्रिकारी तिगो छेत्र में ती सही करी ही इतियाद विहर वादी वंदु सभी पापी भाज हमो सिर्ग निर्भय निगा भय सुधामे अना पुल समादाने सगती भरामे
आबिजो रे ओ आबिजो आखो सिखे मन के बोली के मीठे मीठे बोल पानी बोल ढम ढम पाते हो गुरुवरे हो नमन तुम्हें हमने गुरुवरे हो नमन तुम तो हमने मन में बसाया है हरे हो नमन अपने जीवन में अंतिम स्थिति में के साथ हे गुरुवर आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 हे गुरुवर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भैया माइक का बेस कर रहे हैं अच्छे से, माइक का बेस बढ़ा दे। श्री ओम नमः। आवाज कर दे बेस बनाने थोड़ा, कहां गए माइक वाले भैया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरोहिति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेनैव समाप्यते शिवसुखम्। अनंत आनंद स्थित परमेष्ठी भगवंतों की जय। देवाधिदेव एक हजार अठ मूल्य श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्या सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य निर्यापक चतुष्टय मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी शुद्धा सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर एक सौ वर्षीय अजित सागर जी महाराज की जय। में तीन कुंभ नौ करोड़ महामुनिराजों की जय। बोले श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। धर्मिष्ठ बंधु अभी अपन समुच्चय पूजन कर रहे थे और पूजन करते ही अर्घ समर्पित किया था। अर्घ में चार लाइनें हैं, उसमें था अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये आठों द्रव्य लिए। अष्टम वसुधा कौन है जिसे हमें पाना है और उस द्रव्य को उस भूमि को पाने के लिए ये आठों प्रकार के द्रव्य हम क्या कर रहे हैं भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो जिनागम में आठवीं भूमि जो है उसका नाम ईसत प्राग भार भूमि जिसे सिद्धि शिला भी कहा जाता है। तो बिना में विचार करना सात भूमियां कौन सी हैं जिन्हें हमें क्या करना है छोड़ना है, यानी जहां हमें नहीं जाना है। तो उसके लिए विषय में जानना है मेरु मंदिर नाम का पुराण है जिसमें विमलनाथ भगवान का तीर्थ काल के विषय में मंदिर और मेरु नाम के दो गणधर हुए हैं उनका पूरा जीवन ग्रंथ उसमें क्या है उल्लेखित किया है। तो वहां उन्होंने बतलाई है सात भूमियां कौन सी हैं जो छोड़ने योग्य है। उन्होंने कहा सबसे पहले निगोद जिसे कलकला भूमि भी कहा जाता है, दूसरा है सातों नरक, दूसरा क्या है सातों नरक है, तीसरा है भवनवासी देव जहां रहते हैं, चौथी है बैंतर देव जहां रहते हैं और पांचवी है जहां जोशी देव रहते हैं, फिर छठवें नंबर की है जहां मनुष्योत्रियंज रहते हैं, सातवें नंबर की है वैमानिक देव जहां पर क्या है रहते हैं। इस सात भूमियों को क्या करना है त्याग करना है, कौन सी पाना है। अब हम आपसे पूछें आपका पुरुषार्थ इनमें से कौन सी भूमि को पाने का चल रहा है,
इन सात को पाने का या इन सातों को छोड़ करके आठवीं भूमि को पाने का किसके लिए प्रसार चल रहा है? क्योंकि पुण्य की उदय के विषय में कहा गया है, जिस पुरुषार्थ को पुण्य का योग नहीं मिलता वो पुरुषार्थ कभी सफल नहीं होता, और जिस पुण्य को धर्म का योग नहीं मिलता वह कभी उत्तम नहीं बनता। यानी कि पुण्य के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, तब कहीं वह पुरुषार्थ हमारा क्या है, सफल हो पाता है। बगैर पुण्य के हम कितनी भी मेहनत करें वह सफल नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए आपसे कहा जाए, आपको महाराज जी का जो सानिध्य मिला है वो पुण्य से मिला कि पुरुषार्थ से मिला, ये बताओ किससे मिला है? पुण्य से आपके लिए मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, लेकिन इसका लाभ तुम्हें कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा? अब कितना पुरुषार्थ आप लोग कर रहे हैं, ये मान के चलो एक और दूध रखा है और एक और शक्कर रखी है, दोनों आजू बाजू रखे हैं, और जब तक हम हाथ से उठा करके शक्कर दूध में नहीं डालेंगे तब तक दूध मीठा होगा क्या, ये बताओ होगा क्या? नहीं होगा ना। बस ऐसे ही तो है, महाराज जी भी आपके पास हैं और आप लोग भी हैं, अब आपको क्या करना होगा, पुरुषार्थ करोगे उनके निकट आकर के, जब हम उनसे जुड़ेंगे तो हमारा पुण्य क्या होता है, गाढ़ा हुआ करता है। ऐसे पुण्य के लिए जब हमें मिल भी गया है, पूर्व में हमने अच्छी भावना भाई होगी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होगा कि आज हमें मानव पर्याय आज हमें सबको क्या है मिली, जिन धर्म मिला जिन कुल मिला, ऐसे दिगंबर साधुओं का हमें सानिध्य मिला है, ऐसे सानिध्य का हमें क्या करना चाहिए, सदउपयोग करना चाहिए। जब हम अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं और दूसरा पुण्य का उपभोग करते हैं, और पुण्य का क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। जब हम पुण्य का सदुपयोग करते हैं तब कहीं हमारे लिए आठवीं भूमि की क्षमता आती है, उसका पुरुषार्थ होता है। पुण्य का दुरुपयोग क्या है, तो ये पुण्य का जो दुरुपयोग है वह है जिनसे पांचों पापों की पुष्टि होती है, पांचों पाप जिससे क्या है प्रेरित होते हैं या हमारे जीवन में आते हैं वह कहलाता पुण्य का दुरुपयोग। जैसे कि आपका मकान बनाना पुण्य का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है, ये बताओ। व्यापार करना पुण्य का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है, ये अपने लिए विचार करें। पुण्य का दुरुपयोग क्यों, बहुआरम परिग्रहत्व कि जो चाहे होती है जो भावना होती है वह हमारे लिए दुर्गति के लिए जाती है। अर्थात जब हम अत्यधिक हिंसा से जुड़ते हैं, अत्यधिक विषयानुराग से जुड़ते हैं, तब कहीं हम निगोद की ओर चले जाते हैं, और जब हम धर्म धर्मात्मा से दूर होते हैं तो सातों नरकों में हमारी क्या है यात्रा होती है। लेकिन जब हम ख्याति लाभ पूजा के लिए नाम के लिए प्रसिद्धि के लिए जब हम धर्म कार्य करते हैं तो हम भवनवासी व्यंतर और जोशी देवों में चले जाते हैं। लेकिन जब हम सम्यक दर्शन के साथ में निर्मल श्रद्धा से कर्तव्य समझ करके जब हम धर्म ध्यान करते हैं तब कहीं हमारे लिए वैमानिक देवों की स्थिति में पहुंच पाते हैं, और जब संपूर्ण परिग्रह का क्या कर देते हैं त्याग कर देते हैं। यानी पुण्य का सदुपयोग करने से हम वैमानिक देवों में जा सकते हैं, एक भवतारी देव बन सकते हैं, लेकिन जब पुण्य के फल का पूर्णतः त्याग कर देते हैं तब कहीं हमें ईसत प्रागभार आठवीं क्या मिलती है भूमि मिला करती है। ऐसी आठवीं भूमि को पाने के लिए आपके लिए परिग्रह का आप पूर्णतः त्याग तो नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्का है, नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य का क्या कर लो, सदुपयोग तो कर लो, क्या कर लो, सदुपयोग कर लो। क्योंकि अभी हम सर्वार सिद्धि को देख रहे थे, उसमें अधिकरण की व्यवस्था ही है, कर्म बंध में कैसे कैसे अधिकरण होते हैं, अधिकरण की बहुत अच्छी परिभाषा दी उसमें, अधिकरण कहते किसे हैं, तो उन्होंने दिया है जिन कार्यों से त्रस जीवों का घात होता है, इन स्थावर जीवों का घात होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण। यानी जिनसे त्रस स्थावर जीवों का घात हो
हिंसा आदि होती है उसे अधिकरण कहा है और 108 प्रकार का कहा है। कितने प्रकार का? 108 प्रकार का संभ्रम समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय और क्रोध मान माया लोक, इन सब का गुणा कर दिया तो क्या हो गए? वो 108 हो जाते हैं। ये अधिकरण है। अब हम आपसे पूछे, आप अधिकरण की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं? और उपकरण, दूसरा क्या दिया है? उपकरण। उपकरण की बहुत अच्छी परिभाषा दी है उन्होंने परस्पर ग्रहो जीवा नाम इस सूत्र में। उपकरण का है जिससे आत्मा का उपकार हो उसे क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। यानी जिन जिन चीजों से आत्मा का उपकार होता है, यानी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों की निर्मलता आती है, उसे क्या कहा जाता है? उपकरण कहा जाता है। तो यहां देखें, बीतरागी देव, बीतरागी गुरु और बीतराग भगवान की वाणी, ये तीनों क्या है? उपकरण है। जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन आलय और पांचों परमेष्टि, ये नव देवता क्या है? उपकरण है। ये नव देवता क्या है? उपकरण है। अब हम पूछें आपसे, इन नव देवता हैं, इनके उपकरण के लिए आप कितने समर्पित हैं? और आप अपने मकान के लिए कितने समर्पित हैं? मकान उपकरण है कि अधिकरण है, बताओ क्या है आपका? मकान उपकरण नहीं, मकान क्या है आपके लिए? अधिकरण है। उससे आत्मा को उपकार नहीं होगा, उससे क्या होगा? अपकार होता है। यदि उपकार होता तो तीर्थंकर आदि क्यों छोड़ते, चक्रवर्ती आदि क्यों छोड़ते? अर्थात उनका उनसे उपकार नहीं है, तब तो वह महलों को छोड़ करके वनों में क्या है रह करके उन्होंने क्या किया है? तप किया हुआ है। तो आज आप सभी के लिए ऐसे उपकरण की रक्षा करने के लिए, यानी भोपाल में लगभग 10,000 से ऊपर जैन समाज के घर होंगे। कितने होंगे? 10,000 से ऊपर जैन समाज के क्या हैं? घर हैं। और 10,000 जैन समाज के घर होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी क्या होंगी? मल्टियां होंगी, करोड़ करोड़ 10-10 करोड़ के भी क्या होंगी? बिल्डिंग होगी। लेकिन आप उनके लिए खर्च करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने भवन की रक्षा के लिए एक दिन में 1,000 रुपए आसानी से खर्च कर देता है। कितना? 1,000 रुपए बड़ी आसानी से खर्च होता है। लेकिन जिससे आत्मा को उपकार होता है, ऐसे उपकरण जनाने के लिए आप कितना खर्च करते हैं, बताओ? आपके मकान के लिए प्रत्येक दिन 1,000 खर्च है, लेकिन मंदिर की रक्षा के लिए आप कितना खर्च करते हैं? देवशास्त्र गुरु रक्षा के लिए कितना खर्च करते हैं? यदि आप इनके लिए 100 रुपए भी यदि खर्च करते हैं, तो वह खर्च की कोटी में नहीं आएगा। वो उपकरण है, वो दान की कोटी में आकर के कई गुना आपके लिए क्या करेगा? पुण्य का लाभ देगा। इसलिए इस सौभाग्य अपन सबको मिला है। ऐसे जिनालय में जो आकृतिम जिनालियों की हमें स्मृति दिलाते हैं और आचार्य महाराज की कृपा से हमारे आकृतिम जिनालय कैसे बनते थे, उसी की तर्ज पर नवीन जिनालय क्या हुआ है? तैयार हुआ है। लेकिन जिनालय पूर्ण नहीं है, जब तक उसके आगे का मंडप नहीं बनेगा, जिसे हम पूजन गृह कहते हैं, जहां बैठ कर के हम सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, वो हमारे लिए उपकरण का काम करेगा। किसका काम करेगा? वो उपकरण का है। ऐसे उपकरण का निर्माण का सौभाग्य। फिर इसके साथ में जिनालय शांतिनाथ भगवान, जो अकृत्रिम है, जो पाणासा जैसा सृष्टि में ऐसे भव्य जिनप में देखे गया है, आज आप ऐसे जिनालयों के लिए करोड़ों खर्च करके ऐसे जिन बिंब आप बना नहीं सकते। मिल तो जाएंगे जिन बिंब, नए पाषाण के नए भगवान बना लोगे, लेकिन आप ऐसा अतिशय उन जिन बिंबों में नहीं ला पाएंगे, ऐसी विशुद्धि ऐसी भावना नहीं ला पाएंगे। अब ऐसे जिनालय जी हमारे उपकरण है, इनकी रक्षा करने के लिए आप सभी के लिए थोड़ी सी अपने द्रव का क्या करना है? सदउपयोग करना। क्या करना है? सदउपयोग करना है। अर्थात जो हम कमाते हैं पाप की कमाई, उसका यदि हम थोड़ा सा अंश यदि उपकरण में लगा देते हैं, तो है पाप की क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाया करती है। इसलिए यहां पर समिति ने बहुत अच्छी संयोजना बनाई है कि तीर्थ रक्षा और तीर्थ उद्धार दोनों एक ही बात है। इनसे यदि हम जुड़े,
111,000 की राशि कोई मायना नहीं रखती है, क्योंकि जब 1,000 रुपए आप अपने मकान में खर्च कर रहे हैं तो उससे कम से कम जिनालय में भी हम लगाएंगे तो ये आपके लिए पुण्य का क्या बनेगा, कारण बनेगा। आप इससे जुड़ करके अर्थात ऑनलाइन भी आप घर बैठे भी शांति धारा करा सकते हैं, आप घर बैठे विधान भी कर सकते हैं, आप वहां से यहाँ समाचार भेज दें, आपके नाम से शांति धारा होगी, आपके नाम से विधान भी हो जाएगा और आप ऑनलाइन भगवान की जिन बिंब को देखते हुए अपने घर के में बैठ आरसी शांतिनाथ भगवान की जय। 1,800 कुंतनाथ भगवान की जय। 1,800 शांति हरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य अजीत सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हमारे यहाँ अभी भोपाल में समझगढ़ क्षेत्र में 16 दिवसीय श्री शांति महाराधना महोत्सव पूज महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है और यहाँ भोपाल के सारे लोग यहाँ आकर के विधान कर रहे हैं। यहाँ पर जो अभी एक सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, पूज अजीत सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जो अनुशासन करके एक संस्था 2016 के चतुर्मास के बाद से एक टीम बनाई थी पूज गुरुदेव ने, वो टीम आज सार्थक हो गई है भोपाल के लिए। पिछली बार सन 2017 में शुरू करा था उसको, 2017 में मात्र 40 बच्चों का उन्होंने यहाँ कोचिंग किया था, उसमें से 17 बच्चे सरकार में कहीं ना कहीं पद पर IAS ग्रुप में सब में पहुँच गए हैं। उसके बाद में 2 साल से लगातार 100-100 बच्चों का यहाँ पर उन्होंने कोचिंग किया है, क्योंकि कोविड के कारण कुछ बच्चों ने परीक्षाएं नहीं दी थी, 80 बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, 80 बच्चों में से 59 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं MPPSC में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ चल रही है। और इसी के साथ साथ जो 2017 में हमने यहाँ मंदिर को स्थानांतरित किया था हबीबगंज मंदिर से, जो पुराना मंदिर 1999 बना था वो यहाँ पर पूर्णता की ओर है, जिसमें 27 तारीख को अमल सार का पत्थर लगना है पूज महाराज जी के सानिध्य में। तो यहाँ आप सबसे निवेदन है कि 27 तारीख को यहाँ पर आए और अपना पुनर्जन करें, जो 27 तारीख को रविवार का दिन भी है, यहाँ माँ मस्त अभिषेक सुबह 8 बजे करें और यहाँ महाराज जी के सानिध्य में ही 1 तारीख को महामस्त अभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें निर्देशन हमारे विनय भैया जी के द्वारा होना है। आप सबसे निवेदन है कृपया 1 तारीख को यहाँ अवश्य आए, क्योंकि हमारा 2020 कोविड के कारण से पूरा देश में पूरे विश्व में बहुत अस्थिरता रही है और अब उसको शांति है। तो यहाँ शांतिनाथ विधान का चल रहा है प्रोग्राम, चल रहा है माँ आराधना चल रही है, आज 9वां दिन है यहाँ पर। और साथ ही 1 तारीख को यहाँ पर महामस्त अभिषेक में आप सब लोग अपने परिवार सहित आए और यहाँ पर पुनर्जन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, 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 नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वे कल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतो शासिनम्। वंदे विद्यासागरम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की जय।
मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांति कुंतवर नाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। शांतिनाथ महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। जीवन को सुंदर बनाना है, पर सुंदर बने कैसे? एक चिंतन और एक बहुत अच्छा विचार आप लोगों के सामने है कि जीवन को सुंदर बनाने वाले क्या हैं। तो कहा गया जीवन को सुंदर बनाने, आप सब लोग इधर आ जाओ ना, सामने इधर आओ। जीवन को सुंदर बनाने वाले अगर कोई है तो आपकी जिह्वा और आपका हृदय। जीवन को सुंदर बनाने वाले अगर कोई है तो आपकी जिह्वा और आपका हृदय। कैसे? लोग ये सोचते हैं कि आदमी को अच्छे आभूषण अपने श्रृंगार से सुंदर बनाया जाता है, पर ऐसा नहीं। कपड़ों से सुंदर बनाया जाता है, ऐसा नहीं। बाहर के अच्छे अच्छे बढ़िया ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनाया जाता है, ऐसा नहीं। ये तो कुछ दिन की क्षणिक सुंदरता है, ये क्षणिक सुंदरता है। वास्तविक रूप से स्थायी सुंदरता अगर कोई होती है, वो सुंदरता अगर बनती है तो आदमी की जिह्वा से, आपके हृदय से। कैसे? देखो, एक व्यक्ति दिखने में तो बहुत सुंदर है और वाणी में अगर कर्कशता हो तो सुंदर आदमी भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, देख तो रहा है तुम्हें बहुत सुंदर है, जब ये बोलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना सुंदर है। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वचनों की सुंदरता, वाणी में सुंदरता, मधुरता अगर है तो वही वाणी की मधुरता ही उसके जीवन को सुंदर बनाने वाली होती है। और वाणी में कर्कशता हो तो बाहर से आदमी कितना भी सुंदर हो वो सुंदर नहीं माना जाता। दूसरा कहा, हृदय की सुंदरता ही आदमी को सुंदर बनाती है। हृदय का अर्थात विचारों की सोच समझ। एक कहावत है कि आदमी कितना भी धनवान हो, कितना भी वर्णमान संपत्तिवान हो और विचारों में अगर संकीर्णता हो तो वो संपत्तिवान भी बड़ा नहीं माना जाता, सुंदर नहीं माना जाता। और एक आदमी वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है पर विचारों में विशालता होती है, जैसे कि हमारे साधु, हमारे मुनिराज, हमारे गुरु महाराज, जिनके पास कहते हैं तन पे एक तिल तस्मात भी परिग्रह नहीं होता। हमारे भगवान के पास तिल तस्मात भी परिग्रह नहीं है, पर उनकी विचारों की विशालता देखो। वे कभी किसी एक को बांध करके जीवन नहीं जीते, वे कभी एक के होकर के जीवन नहीं जीते। साधु का घर क्या है? कोई पूछता है साधु का घर क्या है तो साधु का एक घर होता ही नहीं, वसुदेव कुटुंबकम। साधु के एक घर के भरोसे जीवन नहीं जीता। जो संसारी जन अपने एक घर में बन करके जीवन जीते हैं,
पर साधु का जीवन जो होता है वसुदेव कुटुंबकम की नीति हुआ करती है। सबके घर का अपना घर जैसा समझता है, सबके घर को अपने जैसा समझता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना जैसा मान करके सोचता है, इसलिए वो किसी को कभी ये नहीं कहता कि इसका बुरा हो जाए मेरा भला हो जाए। कभी किसी के अहित के भाव साधु के जीवन में होते नहीं, और अगर ऐसा है, ऐसा कोई सोचता है तो उसके जीवन में साधुता हो ही नहीं सकती। साधु और सज्जन दोनों की नीति एक सी होती है, दोनों मिलकर के यही विचार करते हैं कि जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसे प्रत्येक आत्माएं सुख चाहते हैं, प्रत्येक आत्मा के पास उस सुख की भावना हुआ करती है, सभी सुख की कामना करते हैं, सुख को अपने जीवन में पाने का प्रयास करते हैं, हम उसे पाने की चेष्टा करें। इसलिए अपन सुंदर बनो, बाहर से नहीं। कैसे बनो? भीतर से बनो। किसी ने लिखा है बाहर से कुरूप हो पर विचार सुंदर हो चलेगा। विचारों में अच्छी सोच हो, और विचार अगर सोच अच्छे नहीं है तो बाहर की सुंदरता कोई मायना नहीं रखती। आज की जो विचार है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, हम अपने विचारों में एक और विचार बनाए। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखने लायक होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलने की बात होती है। एक कवि की एक कविता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। आज सोचना, क्या भूलूं क्या याद करूं, इन दोनों पर चिंतन करना अपने आप को। मैं भूलूं क्या, याद क्या करूं, किसको याद रखूं, किसको भूल जाऊं। बहुत अच्छा है। तो वो उसने बहुत जब चिंतन का विषय किया तो ये कहा गया, पहले तो अपनी पसंद को भूलो और अपनों को याद रखो। व्यवहारिक जीवन में सबको देखो, कहां कहां की बात कर रहा हूं। व्यवहारिक जीवन में क्या, जब कोई कोई परिवार में रहता है, समाज में रहता है, जैसे कि कोई भी नेतृत्व या कोई भी समाज का वो करता है, चाहे प्रदेश का हो, देश का हो, कहीं का भी हो, तो वहां पर उसको ये नहीं लगता मुझे क्या पसंद है, ये नहीं सोचता। वो कहता नहीं भाई, अपन को ऐसे नहीं सोचना, सबके लिए सोचना है। अपनी पसंद को भूलता है और सबको अपनों को याद रखता है कि भाई किसी को मेरे कारण से, किसी को कहीं उसके लिए, किसी को मेरे कारण से अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी को ठेस ना लगे। क्या भूलूं, अपनी पसंद को भूल करके दूसरों की पसंद को, सुखों को, अपनों को याद रखें। दूसरा बिंदु दिया, अपने कर्तृत्व को भूलो और अपने कर्तव्य को याद करो। अपने कर्तृत्व को भूलो और अपने कर्तव्य को याद करो। कितना अर्थ है, कर्तृत्व और कर्तव्य में अंतर क्या होता है? मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसे करने वाला हूं, मैं करके कहता है, वो कहता है कर्तृत्व, मैं ही ऐसा कर सकता हूं और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और फिर बाद में एक और है, अधिकार, मैं, अहंकार से युक्त जब वाणी हो जाती है तो वो ये कहता है मैं ही करूंगा और को दूसरा नहीं करेगा। ये आदमी को पुण्य बंध के कारण तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अहंकार के साथ किया गया कर्तृत्वपना, अहंकार के साथ किया गया कार्य उसके कर्तृत्व की बात करता है,
कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, नहीं। कर्तव्य परायण जो होते हैं, कर्तव्य के साथ अपना काम करते हैं, उसके नाम से कितने सारे काम हो जाता है। प्रभु कभी ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा किया, वो तो ये कहता है करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। करता वही है, पर सारा का सारा से किसको डाल देता, अपने गुरुजी को डाल देता है, अपने भगवान के ऊपर डाल देता है। ये कहलाता है कर्तव्य परायण दृष्टि। जहां कर्तव्य परायण दृष्टि हो वहां कर्तृत्वपना नहीं हुआ करता है। अपना कर्तव्य समझ करके अपना कार्य जैसे सबका कर रहा हो तो इसमें अपना विशेष रुचि लगा करके काम करता है, और वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा किया। और करते जाते हैं, जो अच्छा होता है सबका सारा का सारा श्रेय उनको चला जाता है। बात सही है, शुरुआत जहां से होती हो, जिनका अगर थोड़ा सा भी मार्गदर्शन, थोड़ा सा भी अनुकंपा अगर उस कार्य के लिए हो जाती है, शुरुआत में ही आग की चिंगारी बिल्कुल इतनी सी होती है ना? कितनी होती है? एक तिल्ली कितनी क्षमता रखती है बताओ? माचिस की तिल्ली कितनी क्षमता रखती है? अगर को उसको व्यवस्थित ढंग से लगा करके जलाया जाए तो वो आपकी भूख मिटा सकती है, भोजन बना सकती है, अगर वो अनुशासित हो तो। वो आग आपके भोजन में सहयोगी बन सकती है, और अगर वही माचिस की तिल्ली अनुशासित नहीं हो, लापरवाही से जला करके कहीं भी फेंक दो तो आपके घर को भी जला सकती है, आपको भी जला सकती है, आपकी सारी संपत्ति को जला सकती है। आग इतनी सी है पर उसमें क्षमता बहुत है, वहां विनाश का कारण हो जाती है। अभी कुछ समाचार ऐसे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आदि में ऐसे ऐसे जंगल हैं कि एक छोटी सी लापरवाही के कारण से सारा का सारा तहस नहस हो गया, जंगल जल गया, हजारों लाखों जीव उनका जीवन बर्बाद हो गया। कितना एक छोटी सी लापरवाही के कारण से कितने जीवों की विराधना हो जाती है। और थोड़ी सी हम सावधानी रखते हैं तो कितने जीवों की रक्षा हो जाती है। अनुशासन का एक सबसे बड़ा यही बात होती है। हम सब ऐसी ही प्रतिभा इस प्रकार के कार्यों को अपन करते हैं और संयमित और अनुशासित होकर के करते हैं तो वह हमारे लिए सही दिशा, सही मार्गदर्शन का कार्य बन जाता है। और अगर हम अनुशासन को छोड़ करके अनुशासित होकर के नहीं करते तो वो करता तो है पर उससे कोई हाथ नहीं लगता, सार्थक कार्य नहीं माना जाता। आज हम उस सार्थक कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भगवान की आराधना का हो, चाहे वो व्यवहारिक जीवन के घर परिवार का हो, गुरु सेवा का हो। इसमें सबसे पहले ये कहा कि अगर हम अपने मन को थोड़ा सा संयमित करके करते हैं, कर्तव्य परायण होकर के करते हैं, तो नियम से वह मन आपको आनंददायक बन सकता है, आपको सुख का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी मन के मनमानी दृष्टि से करने लगते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वो करता तो है पर वही कार्य आपको दुख का कारण भी हो सकता है। यही सबसे बड़ी विशेषता, विशाल दृष्टि होना। किसको भूलूं, किसको याद करूं, तो सबसे पहले कर्तृत्व को भूलो, कर्तव्य को याद करो। फिर तीसरा एक और बिंदु है, धन संपत्ति को भूलो, क्योंकि ये आज तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे साथ रहेगी, कोई भरोसा
नहीं है। धन संपत्ति को भूलो और याद करो धर्मवान को, धर्म को, धर्मात्माओं को, गुरुओं को, भगवंतों को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक बार अगर आपने इनको याद किया, ये हमेशा आपके मानस पटल पर बने रहे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पर जाना, वहां जाकर के तुम्हें एक नई दिशा देंगे, वहां जाकर के तुम्हें एक नई प्रेरणा देंगे, और धन संपत्ति